नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि 9 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियाँ बहुत शुभ होती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना, हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए, वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनके चूंकि हम दृष्टि की बात करें, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहाँ से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना, और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है, देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में हैं, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में होना यानी आपके सप्तम भाव में विराजमान है वृषभ राशि में और यहीं पर वक्री होंगे, तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान जो पार्टनरशिप का स्थान है, विवाह का स्थान है, अब यहाँ पर देवगुरु हैं, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तब थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि छठे भाव का भी थोड़ा सा फल देंगे। हालांकि इस पीरियड में क्या क्या होगा, कौन सा उपाय करें, तमाम बातें विस्तार से जानते हैं। देखिए, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि बेवजह का मतभेद हो सकता है, और संभल कर रहें, खासकर जो लोग जॉब करते हैं, आपके मेहनत का श्रेय कोई और ना ले जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में धैर्यपूर्वक काम कीजिए, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें और किसी भी तरह बहुत ज़्यादा तत्परता यानी कि तैस में आकर, बहुत जल्दी हड़बड़ी में आकर कोई कार्य मत कीजिएगा, सोच समझ कर फिर आगे बढ़ें। जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको लाभ तो है, लेकिन कोई भी निर्णय डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएँ रह सकती है, लेकिन बच्चे आपको प्राउड फील कराएंगे, सर ऊँचा करेंगे। जो लोग व्यापारी भाई हैं, नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, अनुकूल वक्त है। साझेदारी में प्रारंभ करने की सोच रहे हैं कार्य, तब सचेत रहिएगा, किसी न किसी तरह का कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो नया काम आप अभी पार्टनरशिप में मत कीजिए, पहले से कर रहे हैं तो ठीक है आपके लिए। प्रेम संबंध के मामलों में बढ़िया है, रिश्तों में प्रेम भरोसा अपनत्व तो बढ़ा रहेगा और स्थिरता है, यहाँ पर टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में
किसी बात को लेकर दूरियां आ सकती है, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी है। देवगुरु भी विवाह स्थान में बैठे हैं, वक्री अवस्था में है, थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही हैं, ख्याल रखिएगा। रिश्तों का ध्यान रखें और नियमित रूप से भगवान सूर्य को एक लोटा जल में हल्दी डालकर अर्पित करना शुरू कर दें तो स्थिति बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगी। अब देखिए, लोगों की दखल अंदाजी के कारण ज़्यादा मुश्किलें हैं लाइफ में, इसलिए जो भी फैसला लें खुद से लें, समझदारी दिखाएं। और इस समय एक और चीज़ है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब हर तरफ नज़रें बनाए रखें, आंखें बंद कर भरोसा किसी पर नहीं। देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि की अगर हम बात करें तो आपके लाभ स्थान पर लग्न और तीसरे स्थान पर देवगुरु की दृष्टि है, तो धन भाव के साथ साथ आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं, वक्री भी हैं। देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि लाभ तो होगा, मेहनत का फल भी मिलेगा, परेशानियों से आपको ये लाभ ही मुक्ति दिलाएगा, यानी धन आने के रास्ता बन रहा है तो कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, धन की मुश्किल नहीं होगी। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके लग्न पे है, जो आपका शरीर है, व्यक्तित्व है, अच्छा है, आपकी बुद्धिमानी, आपका रुतबा, दबदबा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और हर मुश्किल का, समस्या का समाधान अपने बुद्धि से, चतुराई से निकालेंगे, यानी दिमाग एक्टिव रहेगा, सफलता भी मिलेगी। अब देखिए, इसमें देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि से आपको नुकसान नहीं होगा, छोटे भाई बहन को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, ख्याल रखिएगा। तो दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा तो उत्तम रहेगा। और आपके लिए कुछ ऐसी तारीखें हैं जब आंखें बंद कर काम कर लेंगे तो वो कार्य पूरा हो जाएगा, और कुछ ऐसे तारीखें हैं आप लाख प्रयास कर लो कार्य अधूरा ही रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कौन सा तारीख है, और कौन सा तारीख है जब आप कोई भी शुभ मंगल कार्य या कोई बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उन तारीखों पर नहीं करेंगे। 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का जो वक्त है आपके लिए बहुत अच्छा है, इस मध्य कोई भी कार्य करेंगे तो पूरा होने की संभावना बढ़ी हुई रहेगी, ये समय ठीक है। और इसमें आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, वक्त बढ़िया है। लेकिन 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक जो वक्त है थोड़ा संभल कर रहिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस मध्य ना करें। जनवरी के महीने में 19 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य भी थोड़ी सी परेशानियाँ हैं तो सतर्क रहें, कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से बचिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, और देव गुरु बृहस्पति को और प्रबल करना चाहते हैं तब आप एक और काम करें, हल्दी का तिलक अपने कलाई पे या कंठ पर लगाना शुरू कर दें, आपके लिए उत्तम रहेगा। थोड़ा सा जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, क्योंकि वक्री अवस्था में है, जीवन साथी का स्वभाव में थोड़ा सा आपको मुश्किलें दिखेंगी, इसलिए ऊपर से ढैया भी है तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, किसी भी तरह आपके रिश्ते ना बिगड़े, इसलिए रिश्तों में मधुरता आपको बनाने का प्रयास करना है ताकि आपका रिश्ता सुरक्षित रहे। तो हम आपसे विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।